हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, मैं कपिल परमार आज आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर, जिसमें यूनिट बी है और अपना टॉपिक है बेर और बिल बिल। और इसमें अपन पढ़ेंगे जलवायु, उसके वनस्पतिक नाम, क्रोमोसोम नंबर और उसकी प्रोपोगेशन यानी कि प्रबंधन, और उसकी वेराइटीज, तुड़ाई, उपज, हार्वेस्टिंग, सब अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। बेर, बेर क्या होता है और बेर के बारे में अपन सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन नाम, गरीबों का फल, पुअर मैन्स ऑफ फ्रूट, शुष्क फल, यानी कि इधर से कॉमन नेम ऑफ नेम यानी कि गरीबों का फल, पुअर मैन्स ऑफ फ्रूट, शुष्क फलों, फलों का राजा, चाइनीज रेड, स्वदेशी फ्रूट, यानी कि यहाँ से पहले ही लाइन में तीन प्रश्न बन रहे हैं। गरीबों कॉमन नेम, गरीबों का फल किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। स्वदेशी फल कौन सा है, तो बेर है। वनस्पतिक नाम, डिजिफस मॉरिशियाना। कुल रहमनेसी, गुण सूत्र संख्या 48, चतुर्गुणित, उद्गम स्थल इंडो चाइना, कहाँ पे उद्गम स्थल है, इंडो चाइना। फल प्रकार स्टील ड्रम, खाने योग्य भाग बाह व मध्य, फल भित्ति पेरिकार्प, पेरी मिजोकार्प, पुष्प क्रम वेसिकल। बेर नाम बेर नॉन क्लाइमेटिक फल है, इससे तोड़ने के बाद पकाने की आवश्यकता नहीं होती। बेर कौन सा फल है, नॉन क्लाइमेटिक फल है, यानी कि इसको तोड़ने के बाद पकाने की आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसलिए नॉन क्लाइमेटिक फल कहते हैं। बेर के फल विटामिन सी 150 से 100 ग्राम ए व बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होते हैं। क्लाइमेट, जलवायु, बेर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का फल वृक्ष है। बेर किस जलवायु का फल वृक्ष है, बेर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का फल वृक्ष है। मूसला अंडों के कारण अन्य फलों की तुलना में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। उत्तरी भारत में मई जून ग्रीष्म ऋतु में बेर पत्ते त्याग कर सुस्त अवस्था में चला जाता है। कौन सी अवस्था में चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। मृदा कौन सी होती है, बलुई दोमट, जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो। बेर की खेती के लवणीय मृदा में भी कर सकते हैं, यानी कि कहना चाहता है कि दोमट मिट्टी है जिसमें जीवांश हो की मात्रा अधिक हो, तो लवणी यानी कि नमक वाली मिट्टी जैसी उसमें भी खेती कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं, बेर की। बेर उच्च लवणी मृदा है और को सहन करने की क्षमता रखता है। बेर के उन्नत किस्में, ए पकने का समय, तीन टाइप्स के समय हैं, फसल अगेती और मध्यम और पचेती। तीन टाइप के समय हैं, फसल के अंदर आ गया अगेती मध्यम पचेती, जिसमें जनवरी अगेती अगेती में जनवरी का प्रथम सप्ताह थार सेविका, थार भूराज, गोला गमा मुड, ये आ गए आपने गणेश, ये आ गए फसल अगेती में। मध्यम जनवरी या अंतिम सप्ताह के अंदर होता है। कौन से सप्ताह में होता है, जनवरी या अंतिम सप्ताह में, जैसे कि मुंडिया, जोगिया, खथेली, चोमू। मध्यम की बात करेंगे अपन, मध्यम में बारे में अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं, इसके बाद में ये थोड़ा मुंडिया, जोगिया, खथेली, चोमू, लोकल, महरन, बनारसी, ये किस्में हैं, किसी मध्यम वर्ग की जनवरी का अंतिम सप्ताह में रोपे जाने वाली। पचेती अंतिम जनवरी से मार्च के तक प्रथम,
यानी उम्रान कांड, महावरेली कथा, पढ़नी, इलायची, त्रिशूणित, ये किस्में हैं पचेती की। नई किस्में अर्ली उम्रान गुजरात से विकसित तथा कथ्या पाउन फल मक्खी रोधी किस्में डोडिया कथ्या महरून। प्रबंधन प्रपोगेशन, बेर में प्रवर्धन वल्यन कल्याण रीता बर्डिंग द्वारा किया जाता है। उपयुक्त समय जुलाई से सितंबर। बेर के अंदर क्या होता है कि कलम के द्वारा भी बेल का किस्म बनाई जाती है, यानी प्रजनन किया जाता है, और बेडिंग के द्वारा भी प्रजनन किया जाता है। उपयुक्त समय होता है बेडिंग करने का और कल्याण करने का जुलाई से सितंबर। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, हर लाइन से प्रश्न उठ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है और जेड में अच्छा सिलेक्शन निकालना है। उम्रान व गोला के लिए अति उपयोगी मूल व्रण जिजिफस रोडिफेलिया, रोपाई वर्षा में वर्षा ऋतु दूरी 6 इंच से 8 मीटर के गड्ढों का आकार और आकार में है 1 x 1 x मिलीमीटर। बेल क्रंच प्रूनिंग, बेर में हर वर्ष भारी कटाई चटाई प्रूनिंग की आवश्यकता है। समय, बेर का समय कटाई चटाई का समय गर्मी प्रारंभ होने पर बेर शुभावस्था में प्रवेश करने के बाद 15 अप्रैल से 15 मई के बीच कटाई चटाई कर देनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे तुड़ाई व उपज, हार्वेस्टिंग, यील्ड व भंडारण। तो आप सभी को ध्यान रखना है, तुड़ाई कब करते हैं, हर चीज़ में प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं हर वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि अगली बार अपन ने मैंगो पढ़ा था, और अब आएगा आंवला पढ़ेंगे अपन। तुड़ाई व उपज, हार्वेस्टिंग, यील्ड व भंडारण। बेर के फल फूल आने के 4 से 4/4 माह बाद परिपक्व हो जाते हैं। फलों को जल्द पकाने के लिए वृक्ष पर लगे फलों पर 750 ppm इथेफोन का छिड़काव करें। उपज, विकसित पौधे से 100 या 200 किलोग्राम फल प्रति पौधा व वर्षा आधारित बाग में 40 से 50 किलोग्राम फल प्रति पौधा प्राप्त हो जाता है। अब बिल, बिल भी एक फल वृक्ष है जो अपने इंडिया के लिए फेमस माना जाता है। तो अब बिल के बारे में पढ़ेंगे। बिल्व, बिल्व क्या होता है, उसका कॉमन नेम है बंगाल का क्रिक्रिसस फल, फोली फ्रूट, स्टोन एप्पल, गोल्डन एप्पल, बहुत सारे नाम हैं। किसके नाम हैं, बिल्व के। बिल्व के कॉमन नेम है किविस फल, फोली फ्रूट, स्टोन फल, गोल्डन एप्पल। वनस्पतिक नाम एगोल मारिफ मार्मिलोस। कुल श्रुटनेसी, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 18। द्विगुणी गुण बताए। उद्गम स्थल भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बिल्व का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन आएगा चाइना, इंग्लैंड, ए यूरोप, भारत। तो अपन को क्या करना है, भारत। फल प्रकार रूपांतरित सरस एमिस सारका, खाने योग्य भाग रसीला प्लेसेंटा, सक्सुलेट प्लेसेंटा। बेल में औषधि गुण, इससे पाए जाने वाले मार्मेलिसिन तत्व के कारण होते हैं। कौन से तत्व के कारण होते हैं, मार्वेलेसिन तत्व के कारण होते हैं। बेल में एक कलिका पर 3 पत्तियों को, जिनकी शिवजी भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ऐसी कौन सी पत्तियां हैं जो शिवजी भगवान को अर्पित की जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं बेल की, आंवला की, यूं। तो अपन को क्या करना है, बिल्व की पत्तियाँ वहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। कहाँ पे चढ़ाई जाती हैं, भगवान शिव जी के।
बेल में फूल मई माह में आते हैं तथा फल पेड़ पर लंबे समय तक लगे रहकर अगले वर्ष अप्रैल मई में पकते हैं। यानी कि ये ज़्यादा टाइम लेता है और इसमें फल पकने में साल लग जाता है। अब जलवायु की बात करेंगे। जलवायु एवं मृदा, क्लाइमेट एंड सोइल। बेल शुष्क जलवायु का पौधा है। इसमें पाला सहन 60 डिग्री सेल्सियस तक करने की क्षमता होती है। कितने डिग्री सेल्सियस तक करने की क्षमता होती है? 60 डिग्री सेल्सियस करने की क्षमता होती है। व्यावसायिक खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी उपयुक्त होती है। किसके लिए? बिल्व खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है, ध्यान में रखना है। बिल्व अम्लीय व क्षारीय, यानी 5 से 10 pH भूमि पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। कौन सी भूमि पर उगाया जा सकता है? 5 से 10 pH के सोइल पर उगाया जा सकता है। यह भूमि 9.0 उसी सरमी तक की लवणता का सटन कर लेता है। उन्नत किस्में, इम्प्रूव वेराइटीज में आ गया कागजी फल का चलिका, कागज जैसा पतला रामपुरी, मिर्जापुरी। केंद्रीय उषोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से विकसित पथ, उर्वशी पथ, अपर्णो पथ, शिवारी पथ, सुजाता आदि, ये इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं जिसके बारे में अपन ने पढ़ा बिल्व की। और इसको याद रखना है ये कौन सी वेराइटी है, तो तब वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके? बेल यानी बिल्व। बेल व बेल का प्रवर्धन साधारणतया बीज द्वारा किया जाता है। वर व्यावसायिक दृष्टि से पेज कल्याण प्रबंधन विधि सर्वोत्तम रहती है। यानी कि बिल्व है उसका प्रवर्धन बीज द्वारा ज़्यादातर किया जाता है और एक पेज कल्याण है जिससे भी प्रवर्धन किया जाता है, सर्वोत्तम विधि रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है रोपण वर्षा ऋतु दूरी R × P गड्ढों का आकार 75 × 75 75 तुड़ाई व उपज हार्वेस्टिंग यील्ड। फल ठहराव फ्रूट सेटिंग से फल पकने में लगभग 10 से 11 माह का समय लगता है। कितने माह का समय लगता है? 10 से 11 माह का समय लगता है। फलों का रंग हरे से छीला सुख होना पकाव का सूचक है। कौन से इसका सूचक है? पकाव का सूचक है। पूर्ण विकसित बैच फल वृक्ष से 200 से 400 फल प्रति पौधा प्राप्त हो जाते हैं। कितने फल प्राप्त हो जाते हैं? 400 से 200 पद फल प्राप्त हो जाते हैं। भंडारण साधारण तापमान पर सप्ताह तथा शीत ग्रहण में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ अपना टॉपिक आज खत्म होता है। इसके बाद अपन आंवला के बारे में पढ़ेंगे, पपाया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप आगे आगे वीडियो देखते रहें।